A soldier can withstand a force of 400 newton on its shoulder. A, try. He fires a bullet of mass 50 gram by its automatic rifle. By its automatic rifle with speed of 1000 meter per second. How many bullets he can fire from rifle in 1 second? Try karo. Question pehle padho, फिर मुझे बताओ तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। है बेटा कुछ समझ में? बोलो कुछ भी। अच्छा क्वेश्चन तो समझ में आया ना? हाँ यस, थोड़ा थोड़ा। हाँ सर, ट्राई करो शायद आ जाए तुम्हें क्वेश्चन।
पूरा ध्यान, सपोज ही कैन फायर एन बुलेट्स, समझो कितने बुलेट फायर कर सकता है, एन। तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगी, याद है फॉर्मूला, ये इंटू एन हो जाएगा। F एम डी पी का मतलब क्या होता है, मोस्टली पॉसिबल है, फिर भी देख लेते हैं। P2 मतलब फाइनल, फाइनल रखेंगे M into V, इनिशियल जीरो लिख सकते हैं, क्यों जीरो, क्योंकि राइफल में और टाइम एक सेकंड, क्योंकि एक सेकंड में फाइन करना है, दो में फाइन करना है। क्या बोला सर आपने, बुलेट अभी राइफल के जब अंदर होगा उसका मोमेंटम जीरो होगा ना। P2 मतलब आफ्टर फायर, P1 मतलब बिफोर फायर, N into M into V, फोर्स की जगह वैल्यू डाल देते हैं, कितनी है फोर्स की वैल्यू, N पता नहीं, मास है 50 ग्राम, 400,000, वेलोसिटी है 1000 गया, 400/50, 8 बुलेट्स। सर इसमें हमको सिस्टम को कंसीडर नहीं करना ना, मतलब गन को नहीं करना ना कंसीडर, नहीं यहाँ पे तो फोर्स लगा है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगा है ना बेटा, वो तो कब, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो। वो जो मोमेंटम खेल रहे थे ना हमने इससे पहले वाला, वो कौन सा सिस्टम था, जब फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगता हो, यहाँ तो लग रहा है ना, शोल्डर उसको लगा है ना। अगर समझो वो 8 बुलेट की जगह 10 बुलेट फायर कर दे तो उसका शोल्डर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, नहीं शोल्डर क्रैक बढ़ जाएगी, शोल्डर उसका क्रैक वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। ये हमने क्या निकाला भाई, वो इतना फोर्स सर्न कर सकता है 400, तो 400 फोर्स में वो मैक्सिमम कितनी बुलेट फेंक सकता है, 8। अगर उसने 8 से ज्यादा फायर की तो उसका शोल्डर क्रैक हो जाएगा, शोल्डर सहन नहीं कर पाएगा। आई बात समझ रहे सर, वो मुझे लगा स्टेशनरी है, जब जब भी उस गन का वो होगा गन चेंज कर लेगा। देखो जैसे बुलेट एक फायर होती है, गन पीछे आती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो फोर्स की बात करें, 8 बुलेट आगे छोड़ रहा है तो जो गन पीछे आ रही है ना, तो 8 बुलेट का गन का टोटल ताकत कितनी है, 400 न्यूटन की, और वो उसका शोल्डर 400 सहन कर सकता है तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 8 बुलेट की जगह 10 बुलेट हो गई ना, तो बुलेट्स का फोर्स निकलेगा 500 न्यूटन, क्योंकि 8 पे 400 है तो जिम्मेवार है 10 पे 500 होगा, लेकिन उसका शोल्डर सहन ही कितना कर सकता है, 400 आया तो यहाँ तो शोल्डर क्रैक होगा या खुद गिर जाएगा, समझ में आई बात। यस सर, भाई सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट, नो सर, नो सर, इजी है, यस सर, बोलने के बाद सब इजी है, नहीं हाँ सर, ये पहले तो किया नहीं है, बोला इजी है, समझ में आ जाए तो इजी है, नहीं तो पता नहीं सर कुछ तो था। चलो एक और ट्राई करते हैं, एक मैं सोचूं कोई है, bomb is moving with velocity 10 meter per second, 10 meter per second, having mass 100 kg at particular instant
it explodes into fragments 70 kg and 30 kg. The velocity of smaller is velocity of smaller is 50 meter per second. Find velocity of larger fragment. Try करो चलो. So 7.14 meter per second. नहीं बेटा 21.42 meter per second. नहीं बेटा नहीं 21 नहीं. बाकी सबको आ गया बेटा? यस सर आ गया. यस सर. फॉर्मूला लगाएंगे. इसमें तो एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं. पी वन इज इक्वल टू पी टू. पी वन लेंगे एम वी, पी टू में लेंगे दो टुकड़े हुए, लेकिन एम टू वी टू ले लेंगे. याद रखना है एक माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि दो टुकड़े होते हैं ना, दो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. मास पहले वाले का 100, वेलोसिटी 10, बाद में एक है 30, उसका मास है 50 है. M2
एक मैं उल्टा ले लिया ना, आएगा 70 है ना, दूसरे का होगा, पहले का 70 थी सर, आपने सही लिया। M230 value 1000 plus ठीक है, मैं राइट कर रहा था ब्रो, माइनस कर दिया 2500 कितना आ रहा है देखो एक बार 35.71 समथिंग हां कोई है बस सर बेटा, क्लियर एवरीवन? यस सर, यस सर। ठीक है तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम फोर्सेस से स्टार्ट करेंगे। ओके बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। हाँ बेटा बोलो। आप वो सम्स भी अपलोड करने वाले हो, उसका वीडियो भी? हाँ करने वाले हैं, करने वाले हैं। ओके सर। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा। लिख लिया बेटा हटा दो, पटेल खुशी मृत्युंजय